हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार। आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स टाइम और मैं हूं आपका सहवीर रेड्डी। बहुत दिनों के बाद आया हूं और मैं सोचा चलो एक लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जो भी मेरे छोटे दिमाग से समझ में आया है और जो भी मैं लेमैन के लैंग्वेज में बात कर सकता हूं वो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर्स के बारे में। चलो, आप तो सोच रहे होंगे यार तुम्हारा चैनल तो इन्वेस्टर्स टाइम है, मुझे लगा कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे इस फॉल्स पे, तो फ्यूचर्स के बारे में क्यों जानना है। तो फ्यूचर्स जानना बहुत ज़रूरी है और आपने तो ये बात सुना होगा पंप एंड डंप, बिग फिश गेम्स एंड ऑपरेटर स्टॉक्स के बारे में आप सुना होगा, पंप एंड डंप के बारे में तो सुना होगा और ट्रैप्स, रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए आप कोई स्टॉक ले लिया है और आपको कैसे पता चलेगा कि आप ट्रैप हुआ है, आपको जल्दी 5% 10% के लॉस पे बाहर आना चाहिए या आपको होल्ड करना चाहिए, कैसे पता रहेगा? आपको एक बार फ्यूचर्स के बारे में जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार हम लोग देखेंगे एक फ्यूचर्स के मार्केट में ये गेम कैसे खेलते हैं। तो समझ लीजिए एक बजाज फाइनेंस का स्टॉक ले लीजिए या निफ्टी को स्टॉक ले लीजिए, अगर उसका फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो प्राइस कहाँ से डिराइव करेंगे? वो एक डेरिवेटिव मार्केट है, मतलब एक अंडरलाइंग स्टॉक से वो डिराइव करेंगे। मतलब अगर बजाज फाइनेंस का स्टॉक अंडरलाइंग स्टॉक है, उससे जो डिराइव हुआ प्राइस है वो एक फ्यूचर मार्केट में कोट करेंगे। वो फ्यूचर का मार्केट प्राइस आप ये महीने के लिए भी खेल सकते हो या 3 महीने के भी खेल सकते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है नेक्स्ट 3 महीने में ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है और आपको बाई करना चाहते हो तो आप 3 महीने का एक्सपायरी, मतलब ये रहा मार्च हो गया एक्चुअली, अप्रैल मई जून का एक्सपायरी में आप एक बाई कर सकते हो। और एक बात भी जानना इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नोवाइस हो, आप नया इन्वेस्टमेंट्स चालू किया है, ये सोच आप छोड़ दीजिए कि अगर आपने स्टॉक खरीदा, मतलब आपको अगर प्रॉफिट बनाना है खाली बाई ही करना है। मतलब अगर आपने 100 रुपये का स्टॉक लिया है, 100 से अगर 110 हुआ आपका 10% प्रॉफिट है, सही है। अगर 100 से 90 गया तो वो एक्चुअली 10% का लॉस है, सही है। लेकिन आप एक्चुअली शॉर्ट करके भी पैसा कमा सकते हो, वो इक्विटीज़ में नहीं कर सकते हो लेकिन आप एक्चुअली फ्यूचर्स में खेल सकते हो और फ्यूचर्स में कर सकते हो। और वही बात जिसके पास पैसा है, मतलब अगर आपको फ्यूचर्स में बाई करना है या शॉर्ट करना है, आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा रहना चाहिए। मतलब अगर समझ लीजिए बजाज फाइनेंस का लॉट साइज़ है 250, तो आपको समझ लीजिए लाइक 7 लाख 8 लाख लगेगा आपका 250 शेयर्स आपको खरीदने के लिए रफली। अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है लेकिन आपको लग रहा है ये एक महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 15-20% बढ़ने वाला है और आप अगर 10,000 रुपये का इक्विटी स्टॉक्स लेंगे, इवन 15% में आपको कितना मिलेगा, 1500, वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको लग रहा है चलो यार मैं थोड़ा पैसा ज़्यादा दे दूंगा लेकिन ये एक महीने का फ्यूचर्स मुझे आपको चाहिए। तो अगर समझ लीजिए आपने फ्यूचर्स में एंटर किया, उसके लिए आपको एक महीने के लिए शायद 1.5-2 लाख लगेगा, समझ लीजिए। तो अगर आपको 2 लाख देना पड़ रहा है और आप एक महीने के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप बाई के साइड जाके अगर लॉन्ग में चला गया तो भी प्रॉफिट बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है एक महीने में ये स्टॉक 15% गिरने वाला है, फ्यूचर्स में आप शॉर्ट भी कर सकते हो। मतलब आपके पास कोई स्टॉक्स है नहीं लेकिन आपके पास पैसा है, आपके पास 2 लाख 3 लाख है, तो ऑब्वियसली आपके नाम पर कोई भी लोन देगा, इसी के हिसाब से आपको शेयर्स आपको लोन पर देंगे। और आप वो एक अच्छा एग्जांपल है, इंट्राडे में समझ लीजिए मैं अभी मे बी 15,000 से 21,000 देता हूँ, यूजुअली मार्जिन के हिसाब से मैं 20,000 देता हूँ और मुझे कभी कभी अगर 100 पॉइंट का अगर प्रॉफिट आया, 100 पॉइंट इंटू 250 मेरा हुआ 25,000 प्रॉफिट। मतलब मैंने 20,000 रखा, 25,000 का प्रॉफिट आया, मतलब मेरा ऑलमोस्ट 100 गुना से ज़्यादा ही पैसा आया। अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, मतलब 20,000 रुपये आपने इक्विटी स्टॉक लिया है और वो 100 रुपये चला गया, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना, 5-10% रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, जो आपको वही 20,000 रुपये आपको दे, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहता है, इसीलिए डेरिवेटिव्स मार्केट है। तो अभी एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, पंप एंड डंप एक्चुअली फ्यूचर्स वाले जो जो बिग शॉट्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो कैसे करेंगे। देखने से पहले मेरा खुद का एग्जांपल, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता दूंगा आपको। तो अभी हम लोग देखेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक, यहाँ पे वॉल्यूम्स के बारे में आप ज़्यादा देखो, RSI को छोड़ो, RSI को अभी देख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग कोई स्ट्रैटेजी के बारे में बात नहीं कर रहे, तो ओनली इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे नीचे कुछ वॉल्यूम्स दिख नहीं रहे, समझ लीजिए सुपर ट्रेंड क्रैक होने के बाद विद अ गैप डाउन, तो सॉलिडली ये एक नेगेटिव ट्रेंड आना लेगा। और गैप डाउन के साथ साथ आप देख सकते हो कितना वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब जो भी एवरेज 21 डे एवरेज वॉल्यूम है उससे तो 10-15 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब किसी को तो कुछ इन्फॉर्मेशन पता है कि ये स्टॉक बुरी तरह से नीचे जाने वाला है, तो समझ लीजिए यहाँ से इसका एक डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। लेकिन बीच बीच में आप
कंपलसरी देख सकते हो कि एक छोटा सा ग्रीन विथ एनफ वॉल्यूम्स आते हैं। और जब स्टॉक नीचे गया है, मैंने एक्चुअली क्या किया है, यहाँ पे मुझे लगा लाइक चलो यार इतना गिर गया है, 3500 पे मुझे स्टॉक लेना पड़ा, क्योंकि निफ्टी भी उस दिन 13 तारीख को निफ्टी भी थोड़ा ज़्यादा ही सपोर्ट लेने लगा था, तो मुझे लगा चलो यार मैं स्टॉक्स ले लूँगा। मैं 4-5 स्टॉक लिया है इसमें 3500 रुपये पे, और एक्चुअली शाम तक 3900-4000 टच हुआ। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं वॉल्यूम्स भी देख रहा था, मुझे लग रहा है यार चलो आगे और शायद यहाँ से मार्केट रिवाइव होगा और एटलीस्ट मुझे प्रॉफिट 4300 तक आ ही जाएगा, मतलब 800 पॉइंट का प्रॉफिट 4-5 स्टॉक्स में आएगा। एक्चुअली 4-5 नहीं, जब स्टॉक मूव करना चालू करेगा मैं और थोड़ा ऐड करते जाऊंगा, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया, मुझे लगा 3500 से धीरे धीरे होगा। जब धीरे धीरे होता है दैट इज एक्चुअली ए गुड स्टॉक, आई मीन इट इज गोइंग टू ए गुड बुल रैली। बट एक ही दिन में जब ऐसा 3500 से 3900 यूजुअली होता है, एक डाउट तो मुझे कंपलसरी आएगा, या तो कोई तो इसमें प्ले किया है। बिना प्ले किया एक स्टॉक ऑलमोस्ट 3300 से 4000 रुपीस जा नहीं सकता, मतलब ऑलमोस्ट 20% जा नहीं सकता है। और नेक्स्ट दिन मुझे समझ में आ गया कुछ तो लफड़ा है इसमें, एंड वॉल्यूम्स भी ज़्यादा है और प्राइस भी ऊपर गया नहीं, ये तो रेड शो कर रहा है, लेकिन मुझे क्लियरली वॉल्यूम्स दिख रहा था लेकिन आप देख सकते हो कि प्राइस कुछ ऊपर गया नहीं। तो मुझे लगा यार कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, शायद पंप एंड डंप हुआ होगा कल और उसमें मैं भी ट्रैप हुआ है। तो मुझे लगा चलो भाई इस बार तो मैं फ्यूचर्स में शॉर्ट कर ही रहूँगा, मैं ऑलरेडी खेल रहा था फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, एट द सेम टाइम आई इवन रेस्पेक्ट द प्राइस, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो मुझे लगा चलो इस प्राइस में, मैंने एक्चुअली वो 4-5 स्टॉक को भूल गया और मैं पूरा जोश में आके मैं एक्चुअली स्टॉक्स को सेल करना चालू किया। और आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक्चुअली मैंने जो शॉर्ट किया है NSEFNO इस मार्च में आप देख सकते हो, अगर ये लिस्ट जब आता है आप यू कैन क्लियरली सी कि मैंने बजाज फिनेंस में इस महीने में कितना पैसा बनाया। मैंने तो ऑलमोस्ट 4-5 स्टॉक्स ही लिया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो बजाज फिनेंस में मैंने ऑलमोस्ट 43,000 का प्रॉफिट किया है। ये मेरा लाइक ओनली लास्ट हफ्ता और शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे में एक लॉट लिया है मैंने बजाज फिनेंस में। मुझे लगा यार ट्रैप हुआ हूँ, मुझे लगा चलो यार जो 4000-5000 गया वो तो गया, वो ऐसे ही ट्रैप नहीं करते, उनके पास नॉलेज और रिसोर्सेज रहते हैं, हमारे पास ग्रीड रहता है और फियर रहता है, तो वो ग्रीड और फियर को एक इंस्ट्रूमेंट रखे वो लोग खेलते हैं हमारे साथ। और जब मुझे पता चला कि ये लोग हमारे से खेल रहे हैं, मुझे लगा इनको गाली देने से अच्छा है इनके साइड में बैठो और उनके साथ ही शॉर्ट करते रहो और पैसा बनाते रहो। दैट इज़ व्हाट आई डिड एवरी मॉर्निंग राइट अवे एट 9:15-9:20 इफ देर वॉज ए गैप अप मैं शॉर्ट करता था ब्लाइंडली, कभी कभी लगा कभी कभी नहीं लगा, इसलिए आप 40,000 देख सकते हो, लेकिन मेरा नुकसान भी हुआ था। एंड इमेजिन वोलेटाइलिटी ऑलमोस्ट 70-80, मतलब इंडिया विक्स 70-80 पे है, एक एक कैंडल ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट का था, मतलब अगर मैं गलत साइड में हूँ तो मेरा 50 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 12,500 रुपये का नुकसान होता था। फिर भी मैं एक्चुअली शॉर्ट करना ये कैंडल के बाद शॉर्ट करना चालू किया और आप देख सकते हो वॉल्यूम्स भी बढ़ा है और स्टॉक भी नीचे आना चालू किया। तो शायद यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हुआ होगा वो अभी हम देखेंगे। आप अगर समझ लीजिए मैं तो छोटा रिटेल इन्वेस्टर हूँ, यहाँ पे मैंने खाली 4-5 स्टॉक लिया और नीचे जा रहा है तो मैंने फ्यूचर्स में शॉर्ट करने लगा है, लेकिन इसको एक थोड़ा रिवर्स देखेंगे। समझ लीजिए आप और मैं एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, हमारे पास MBA का एग्जीक्यूटिव्स है, वी हैव सम एम्प्लॉयज हु हैव डन देयर MBAs इन IIMs एंड ऑल, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, आपको पता है कोविड कितना सीन कर रहा है और चाइना का इकोनॉमी कितना डिस्ट्रॉय हुआ है और प्रोपोर्शनली वो चाइना का जो इकोनॉमी है हम पे कितना इफेक्ट करेगा हमको ऑलरेडी पता है। तो अब भी समझ लीजिए जब ये स्टॉक नीचे आना चालू किया, आप यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स है, ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, मतलब हम लोग आप और मैं समझ लीजिए हमारे पास 100 करोड़ का माल है, हमने 50 करोड़ का शॉर्ट किया है फ्यूचर्स में, मतलब कितना सेल किया है, 50 करोड़ का रुपए का जो माल है हमने सेल किया है। जब नीचे आया मतलब ऑलमोस्ट 3500 आ गया, समझ लीजिए मेरा 50 करोड़ 80 करोड़ हो गया, तो अभी 80 करोड़ का माल कौन बाई करने वाला है? जिसके पास पैसा है उसके पास रिसोर्स भी तो है, और वो तो आएगा नहीं बाई करने के लिए क्योंकि उसके पास उसको भी पता है ये स्टॉक गिरने वाला है और यहाँ पे कुछ वो मसाला है नहीं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, मैं क्या करूँगा, आप भी तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, आपके नाम पे, आपके भांजे के नाम पे, मेरे नाम पे, हर एक के नाम पे मैं एक 10 करोड़ का, या यूजुअली इक्विटीज़ में भी कर सकते हो, मतलब समझ लीजिए मैंने 10 करोड़ का माल इक्विटीज़ में मैंने इसको बाई किया है ऑलमोस्ट 13 तारीख को,
इवन वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने थोड़ा पुश किया है, रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे और थोड़ा पुश करेंगे, और थोड़ा आएंगे थोड़ा पुश करेंगे। समझ लीजिए यहाँ तक मैंने 10 करोड़ रख के पुश किया है और 10-20 करोड़ रिटेलर्स का है। जब 10-20 करोड़ का रिटेलर्स आया जो बाई कर रहे हैं, उनको कौन ये करेगा? उनको तो कोई तो सेल करना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो 10 करोड़ माल मैंने रखा है यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब ये क्लोज कर देता हूँ, सॉरी, मैं जो मतलब रिटेलर्स को आने देते हैं और जो भी उनका पोजिशंस है, मतलब समझ लीजिए यहाँ पे आप अगर आपने ऑलमोस्ट इनका 10 करोड़ जाने के बाद यहाँ पे समझ लीजिए एक 40 करोड़ का रिटेलर्स का पैसा है, और जो भी यहाँ पे पैसा डाला है, और जब स्टॉक नीचे चला जाता है पब्लिक क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो एवरेजिंग करना चालू, जिसको पता नहीं है उनको लगेगा यार यहाँ पे तो इतना ग्रीन आया, कभी ना कभी तो आना चाहिए, वो धीरे धीरे बाई करना चालू करेंगे। यहाँ पे जो शॉर्ट किया है इनका पोजीशंस कवर करेंगे, मतलब यहाँ पे जो सेल किया है ये बंदे को बाई करना चाहिए, यहाँ पे बाई करने के लिए जो भी यहाँ पे रिटेलर्स ट्रैप हुआ है वो जो सेल कर रहे हैं उनके पास से कौन बाई कर रहा है, मे बी यहाँ पे जो फ्यूचर्स का बंदा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो 50 करोड़ का शॉर्ट किया है वो बंदा यहाँ पे फ्यूचर्स में बाई करना चालू करेगा, और यहाँ पे हम लोग इक्विटी जो बंदे हैं ट्रैप हुआ है वो हम लोग सेल करते रहेंगे। तो ऐसे इसको पंप एंड डंप करते, जो भी स्टॉक अचानक ज़्यादा मूवमेंट आया विथ गुड इनफ वॉल्यूम्स, एक बात है कुछ तो हुआ है, मतलब डिलीवरीज है कि नहीं वो जानना बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि एक फ्यूचर्स के माध्यम के थ्रू आप सेल कैसे कर सकते हो, और उसके बाद एक रिटेलर्स को अंदर आने के बाद जब वो सेल करते हैं उससे कौन बाई करेगा। मतलब अभी एक छोटा ऐप देखते हैं जिसमें आप एक्यूमुलेशन हो रहा है कि नहीं आप एक ऐप के माध्यम से देख सकते हो। एक स्टॉकेज ऐप है, ये स्टॉकेज ऐप वेरी ब्यूटीफुल ऐप, आप हर एक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये एक टूल कंपलसरी रहना चाहिए। तो अभी हम लोग सेकेंड में ही आप देख सकते हो एक डिलीवरीज दिया है, डिलीवर्ड क्वान्टिटी डार्क ब्लू में और ट्रेडेड क्वान्टिटी लाइट ब्लू में दिया है, और आप देख सकते हो मार्च 27, यहाँ पे क्या है मैंने देखा है ऑलमोस्ट 13th मार्च को हम लोग जो बुल ट्रैप किया है वो देखा है हमने। आप मार्च 13 को देख सकते हो 40% ही डिलीवर्ड क्वांटिटी से, बाकी सब मतलब 60% क्वांटिटी ट्रेडेड में थे। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट लास्ट मार्च 12th से लेके अभी मार्च 27th सब मैक्सिमम ये खेलते ही रहे, यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन हो नहीं रहा है। अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है यूजुअली इनका डिलीवर्ड क्वांटिटी यूजुअली 50% 60% के एबो रहेगा। अगर आप ITC के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये ट्विटर हैंडल में भी बहुत बात कर रहे हैं, तो आप डिलीवरीज देख सकते हो इट इज़ 50-65, समटाइम्स अबाउट 65, तो गुड इनफ। लेकिन आप वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से देखोगे एक्चुअली 145 से 150 के बीच में एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है। तो ये रहा पंप एंड डंप, और हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, टूल्स क्या है, और हम क्या कर सकते हैं। अगर हमको लगा ट्रैप किया है प्लीज़ वो स्टॉक को क्लोज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, और आपके फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर ये आपको अच्छा लगा प्लीज़ कॉमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। मैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू, बाय बाय।